हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS। सो SRS के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, आप वो वीडियोस जरूर देख लें जिससे आपको SRS के बारे में पता चल जाएगा। अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि कोई भी SRS अगर हम लिखते हैं तो उसपे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे कि हम एक गुड SRS लिख सके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे मैंने कई सारे पॉइंट्स ने मेंशन किया है, इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है करेक्टनेस, दैट मींस द SRS शुड बी करेक्ट। दैट मींस जब भी हम SRS लिखेंगे सो इट शुड कवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द यूजर एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट, मींस सही सही होना चाहिए। बार बार उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दिया कि जो कि समझ ही नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे करेक्टनेस मैंने क्या लिखा है, इट शुड कवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। सो एक ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी कि ये करेक्ट होना चाहिए एंड इट शुड कवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि कोई भी इनकरेक्ट या कह लीजिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी लिख रहे हो आप उसको कंप्लीट लिखो। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई लाइन आधी लिखी और एक टाइम के बाद जाके वहां से फिर नेक्स्ट लाइन हमने स्टार्ट कर दिया, सो उस लाइन का कोई भी मतलब नहीं रहा। तो इस तरीके से नहीं, यानी सारी चीजें, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो उसमें पेज नंबर प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए, या अगर किसी मीन्स पॉइंट को आप रेफर कर रहे हो सो रेफरेंस नंबर वहां पे प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। सो इस तरीके से यहाँ पे एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी कंप्लीटनेस। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नथिंग शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली इसमें मेंशन होना चाहिए। अब इसके अलावा और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं सो नो कॉन्फ्लिक्ट शुड बी देयर फॉर एनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको बिल्कुल सही सही और अलग अलग पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं, तभी वो समझने में भी आसान रहेगी एंड वहां पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज अनएम्बिगुअस, यानी कि SRS शुड बी अनएम्बिगुअस, यानी कि किसी भी एक रिक्वायरमेंट को बार बार नहीं लिखना चाहिए कि एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के हम जैसे लिख रहे हैं कि उसका मतलब कि स्टेटमेंट चेंज कर दिया एंड उसका एंड रिजल्ट सेम है, तो ये काम नहीं करेंगे आप। सिंपली जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अलग अलग क्लियरली SRS में मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मॉडिफायबिलिटी। सो मॉडिफायबिलिटी का मतलब ये है कि इन फ्यूचर इफ इट इज रिक्वायर्ड कि हम उस SRS में कोई चेंज करना चाहते हैं सो यहाँ पे ये SRS ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू एक्सेप्ट चेंजेस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वेरीफायबिलिटी। वेरीफायबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी हम SRS लिखते हैं तो एक बड़ा डॉक्यूमेंट रेडी होता है, नाउ इफ वी वॉन्ट कि हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि यूजर ने क्या क्या रिक्वायरमेंट दी थी और जो हम बना रहे हैं वो सेम रिक्वायरमेंट है या नहीं, सो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से हम इस रिक्वायरमेंट को वेरीफाई कर सकें। सो इससे इस SRS को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा एंड टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेसेबिलिटी। सो ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी हम मान लीजिए कहीं पे किसी बीच के पॉइंट पे अब हम चेक करना चाहते हैं कि कितना, जैसे ये डॉक्यूमेंट है SRS, अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, अब एक बार में सारे रिक्वायरमेंट समझना और एक साथ ही सबको डेवलप करना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करते हैं एक एक चीजें लेके चलते हैं, एक रिक्वायरमेंट उस पर काम किया फिर दूसरी रिक्वायरमेंट को लिया एंड उस पर काम किया। सो इसी तरीके से अब यहाँ ट्रेसेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या करेगा कि सपोज वी वॉन्ट टू ट्रेस कि किस फीचर के लिए हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं एंड किस पॉइंट तक कर चुके हैं एंड अब उसके बाद किस पॉइंट से हमें नेक्स्ट यहाँ पे टास्क स्टार्ट करना है। सो इस तरीके से द SRS शुड बी ट्रेसेबल, मीन्स कि ये जो चेकिंग ऑफ रिक्वायरमेंट है इट शुड बी इजी, तभी SRS हमारे काम का होगा, अदरवाइज इस SRS को लिखने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। अब इसके अलावा नेक्स्ट है डिजाइन इंडिपेंडेंस। सो डिजाइन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर डिजाइन पैटर्न हमने SRS में लिखा है, जैसे एक सेक्शन यहाँ पे होता है
डिजाइन का। अब इस डिजाइन में बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक यही फॉर्मेट या एक यही पैटर्न है, उसी को फॉलो करके आपको डिजाइन करना है। सो यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल होना चाहिए जिसको यूज करके यहाँ पे डेवलपर उस डिजाइन को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्शंस फॉर सिलेक्टिंग डिफरेंट डिजाइन मॉड्यूल्स, यानी कि जो भी डिजाइन मॉड्यूल्स हैं उस मॉड्यूल्स में से कोई भी एक सेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी उसमें और उसको सिलेक्ट करके बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पर डिजाइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और एक बार प्रॉपर डिजाइनिंग हो गया सो इम्प्लीमेंटेशन में भी वो इजी होगा। इसके बाद नेक्स्ट इज टेस्टेबिलिटी। सो टेस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? टेस्टेबल का मतलब कोई भी सिस्टम टेस्टेबल कब है कि जब हमने सिस्टम को बना लिया, अब उसको बनाने के बाद या कोई भी सॉफ्टवेयर सपोज हमने यहाँ बनाया एंड उसको बनाने के बाद इफ इट इज इजी टू चेक कि ये प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। अब इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे। सो SRS में प्रॉपरली इस तरीके से इस SRS को मतलब लिखना चाहिए कि इस पे बेस्ड अगर हम टेस्ट केसेस को अगर हम जनरेट करना चाहें तो इट शुड बी इजी टू जनरेट टेस्ट केसेस। और एक बार टेस्ट केसेस जनरेट हो गए तो ये टेस्ट केसेस जनरली क्या होते हैं, ये कंडीशंस होती है जिस पे बेस्ड हम इस सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं। सो एक बार ये कंडीशंस हमने प्रॉपरली जनरेट कर ली, इसके बेसिस पे हम इसको चेक करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। अकॉर्डिंगली अगर सब सही है यहाँ पे तो उसको अब हम डिप्लॉय कर सकते हैं, यूजर को यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। अब इसके अलावा टेस्टेबिलिटी हो गई, देन लास्ट यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका SRS का, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर। कोई भी चीज हम बनाते हैं सो यहाँ पे मेन एम हमारा क्या होता है कि इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल, आइदर वो डेवलपर हो या यूजर हो या कोई भी थर्ड पर्सन जो कि उसको यूज कर रहा है, चेक कर रहा है। सो ये भी चीजें जो SRS हम बनाएंगे यहाँ पे ये SRS ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय दी यूजर, यूजर इसको जैसे ही देखे आसानी से समझ जाए। क्योंकि डेवलपर को तो ये सारे टेक्निकलिटीज पता भी है बट यूजर को ये सारे टेक्निकलिटीज पता नहीं होती है। सो इसमें क्या है, SRS को ऐसी यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करेंगे इट शुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल, कि जैसे ही यूजर इसको रीड करेगा आसानी से उसको चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पे डेवलपर ने इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है एंड वो क्या क्या चीजें अब बना रहा है। सो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि जब भी हम SRS लिखते हैं उसमें होनी चाहिए, तभी ये SRS जो भी इसका पर्पज है लिखने का उसको सर्व करेगा। तो डेवलपर की भी हेल्प करेगा एंड यूजर की भी यहाँ पे ये हेल्प करेगा। सो ये था आज का लेक्चर। अब बाकी का लेक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड अपने दोस्तों को भी कह सकते हो उसको सब्सक्राइब करने के लिए। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए सो नोट्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।